अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो कुछ नेटफ्लिक्स पे आजकल ऐसे सीजन्स चल रहे हैं कि जो आप लोग उनसे कुछ सीख भी सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे सिर्फ इन्जॉय करने के लिए हमारी माम आती है, ठीक है, उनको पता होता है आजकल वेले हैं, काम हो नहीं रहा, तो चलो कोई नेटफ्लिक्स का सीज़न ही देख लें। तो आजकल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीज़न जो था वो अभी रिसेंटली आया, जिसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया, स्क्विड गेम्स। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्क्विड गेम्स बेसिकली एक, उसमें गेम्स दिखाई जाती हैं डिफरेंट किस्म की। और पहले तो लोगों को लग रहा होता है कि यार कोई नहीं है गेम्स, लेकिन जब वो पता चलता है कि उसके हर गेम की एलिमिनेशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे उनको मार दिया जाता है, तो वो एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का सीन बन जाता है। तो वो लोग, ऐसे लोग उठाए जाते हैं कि जो जो पैसे की तलाश में होते हैं, जिनकी लाइफ जो होती है बड़ी बहुत मिजरेबल सी लाइफ होती है, उनको बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा होता और पैसों की किल्लत होती है, तो उन लोगों को जो मजबूर लोग होते हैं उनको उठाया जाता है। इसी तरह सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के अंदर उन लोगों को यूज़ किया जाता है कि जो लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि मजबूरी एक ऐसा इफेक्ट डालती है इंसान के अंदर कि फिर वो उसके अंदर अच्छाई और बुराई को बिल्कुल भूल जाता है कि यार कोई नहीं, चलो जो होंदा हो गए, कोई नहीं, आप दिखाएंगे। यही काम जो था उन, वो जो पांच जितने भी लोग उसके अंदर करेक्टर दिखाए गए हैं उन्होंने किया। एक की जी कर्ज़े में डूबा हुआ था, एक जी है वो उसके हालात ठीक नहीं थे, एक वो लड़की थी उसकी भी जी लाइफ इतनी, उसने अपने जो है एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते थे, तो वो इस गेम को खेलने शुरू होते हैं। तो एक लाइफ लेसन उसे ये मिलता है कि जब आप सिर्फ 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 ओनली पैसे के पीछे जाते हो ना, तो वहाँ पे ना आपके कोई रिलेशंस, आप उनके बारे में सोचते हो, वो चले आपके बहुत ज़बरदस्त रिलेशन हो, आप नहीं देखते। जब आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हो कि नहीं, मैंने पैसे की तरफ ही जाना। यही हुआ उनके साथ कि जब इसमें जो एक बड़ा जो यंग करेक्टर होता है वो अली के साथ जब धोखा करता है, तो वो यही करता है कि उसके दिमाग में वो रिलेशन सब ख़त्म हो चुका होता है। और इसी तरह हमारी रियल लाइफ में भी चल रहा होता है कि हम एक दूसरे के साथ ही इस तरह की गेम्स खेल रहे होते हैं कि जिसमें हमें जहाँ पे फ़ायदा लगता है कि यार हाँ नहीं, हाँ मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, यहाँ मेरा काम हो जाएगा, हम फ़ौरन से अगले बंदे को साइडलाइन करा देते हैं। तो पहली गेम के अंदर उनको लग रहा होता है कि यार जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जो वो डॉल मूव करती है और जो पहली फायर लगा के लगता है, तो लोगों के अंदर भगदड़ मच जाती है और वो बिल्कुल उनके ऊपर जिस तरह वो गोलियां बजती हैं। फिर अगली गेम आ जाती है, उससे अगली गेम, फिर वो जी जो लास्ट वाली गेम थी उसके अंदर वो, जिसमें वो उन्होंने पार करनी होती है, मिरर के ऊपर से पार करना होता है, और इसमें से एक सियाना बंदा बीच में आ जाता है जिसको पता होता है कि ये जो शीशा है इसकी कौन सा शीशा मजबूत है, कौन सा शीशा मजबूत नहीं है। खैर ये तो मैं लास्ट गेम पे आ गया, लेकिन शुरू से जो गेम्स खेली जाती हैं उनके साथ, तो आप जैसे तो बाय द टाइम उस सीज़न को देखेंगे आपको एहसास होगा कि यार के ज़िंदगी के अंदर अगर सिर्फ आप पैसे को अहमियत दो तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हो, आप अपनों से महरूम हो जाते हो, आप अपनी इनर स्किल से महरूम हो जाते हो, आप जस्ट फिर रिस्क और रिस्की लाइफ खेलना शुरू हो जाते हो कि अच्छा बस ये रिस्क है, मैंने इसके ऊपर रिस्क ले लिया। ठीक है, लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों पर रिस्क लेना शुरू कर देते हो जिससे आप बहुत कुछ खो सकते हो, तो फिर आप या तो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, जिस तरह हुआ उस गेम में कि सारी लोग मर गए, सब लोग, एट द एंड वो बंदा जीता जो वाकई कदर करता था रिश्तों की, वाकई कदर करता था रिलेशंस की, और उसके बाद इतना पैसा आ जाने के बाद भी वो क्या ज़िंदगी गुजारता है, वो कोई ज़िंदगी गुजारता नहीं है, बल्कि वो उसके पीछे इस वजह से जाता है कि मैं क्योंकि जो लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ जा सकूं। तो आप अपनी सोसाइटी में देखें ना, तो हमारी सोसाइटी इसने बिल्कुल स्क्विड गेम बनी पड़ी। ठीक है, लोगों को तरह तरह के गेम्स खिलाई जाती हैं। आपको क्या नहीं लगता कि इस टाइम क्या क्या नहीं हो रहा, कौन कौन सा गलत काम नहीं हो रहा, क्यों सिर्फ पैसे की वजह लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है? आप उनको काम दे सकते हो, काम नहीं देंगे, गलत काम करवाएंगे। हमें नहीं पता क्या इस्लामाबाद के बार्स में क्या होता है, हमें नहीं पता लाहौर के अंदर क्या होता है, हमें नहीं पता कि कराची के अंदर क्या क्या हो रहा है, हमें नहीं पता ये बाकी छोटे मोटे शहर हैं जो खेतों कल्याणों में, जिस तरह कल्याणों में जिस तरह वो मोटरवे का हादसा हो गया था, ये क्या चीज़ें, ये क्या है? जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ आपकी ज़मीर मर चुका होता है, वहाँ आप पैसे के पीछे जाते हो। पैसे के पीछे वैसे जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप जाएं करें, लेकिन उसका कोई वे होता है, लेकिन जब आप शॉर्टकट्स के पीछे जाएंगे, आप उसके पीछे जाएंगे, तो ये आपकी लाइफ स्क्विड गेम्स के में। फिर वही हाल होता है, एंड पे मरता है बंदा, एंड पे हमेशा बंदा मरता है, जिस तरह हर बंदा लालच के हवस में बंदे मरते गए मरते गए मरते गए, और एंड पे एक बंदा रह गया जो बाकी रिलेशन की कदर करता था। तो ये थोड़े बहुत मैंने स्क्विड गेम्स का जो हवाला था वो मैंने सोचा कि अपने चैनल पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत लाइक आप इसको अगर दूसरे एंड से देखें तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी लाइफ के बारे में। तो
मुदस्सर नवीद इस टाइम आ चुके हैं और वो मैंने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की है कि देखें इंसान जब सिर्फ पैसे को फोकस करता है तो तब जो है वो सिर्फ पैसे को, देखें रिलेशंस ताल्लुकात जो हैं ये पहले आते हैं, उसके बाद पैसा आता है। हम पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम अपने घर वालों को फीड करवा सकें, ठीक है। जब हमारी ज़रूरत उनको फीड करवाना नहीं है, उनको टाइम देना नहीं है, तो फिर हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? पैसा सिर्फ बैंक वालों को के लिए डिपॉज़िट के लिए कर रहे हैं कि हम वहाँ पे डिपॉज़िट कर देंगे। तो इसलिए अपने जो रिलेशन रिश्तेदार हैं या अपने रिलेशन हैं, ख़ास तौर पर जो आपकी फैमिली है, उसको पहले इंपॉर्टेंट दें, उसके बाद जो है वो आप पैसे के लिए जाएँ, डेफिनेटली जाएँ। और जो ख़ास तौर पर जो वीमेंस हैं उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि आप भी अपने जो आपके हस्बैंड्स हैं अगर वो स्ट्रगलर्स हैं तो उनको जो है वो सपोर्ट करें, उनको बूस्ट करें, ताकि वो भी कोई ऐसा गलत स्टेप ना उठाएं जो आपके लिए भी गलत हो और उनके लिए भी। जी आप कैरी करें। बिल्कुल ऐसी जी, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे मुदस्सर भाई की खूबसूरत बातों पे ख़त्म करूँगा कि उन्होंने जी आपको एक लुबे लबाव बता दिया। तो ज़रूर वॉच कीजिएगा इस सीज़न को, स्क्विड गेम्स को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा।